सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजन इट इज़ वेरी इजी टॉपिक असम या फिर इंडिया अगर हम लोग देखें तो इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं तो असम इज़ नो डिफरेंट अगर हम लोग मेजॉरिटी की बात करें तो मेजोरिटी पीपल असाम में हैं हिंदूज और फिर अलग अलग रिलीजन हैं जैसे कि इस्लाम क्रिस्चनटी जैनिज़म बुद्धज़म सिखज़म अदर्स तो जो रिलीजन हिंदू रिलीजन को अगर हम लोग देखें तो इसमें असम में ब्रॉडली डिवाइडेड है हिंदूज़ में डिफरेंट ट्रेडिशंस है जैसे कि शक्ता या फिर शक्तिज्म शैविज्म, वैष्णविज़्म कल्स तो शक्तिज्म में जैसे कि माँ कमख्या की जो पूजा होती है या फिर देवी की पूजा होती है या फिर दुर्गा को जो मानते हैं ना उनको शक्तिज्म बोलते हैं मेन अगर शिव को अगर मान मानते हैं ओके शिवजी लॉर्ड शिवा तो उसको शैविज़म वैष्णविज्म में किसकी पूजा होती है कृष्ण या फिर उनके अवतार या फिर विष्णु के ओके और सूर्य कल्स में भगवान सूर्य की पूजा होती है तो ये सब कल्स है कुछ और फिर शक्तिज्म का प्रभाव हम लोग को इस लोअर असम मतलब गुवाहाटी ये सब में देखने को ज़्यादा मिलता है इन सेंस कि यहाँ शक्ति शक्तिपीठ्स है असम में ओके कमाख्या टेम्पल तो फेमस ही है और फिर अगर तुम लोग देखोगे आहुम्स जो थे ना ज़्यादातर वो शैविज्म फॉलो करते थे और जो अपर आसाम में तुम लोग को बहुत सारा शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा अराउंड गुवाहाटी भी देखने को मिलेगा इन अदर प्लेसेस तो हम लोग को इन्फ्लुएंस क्लियरली देखने को मिलता है और फिर वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस तो देखने को ही मिलता है जैसे कि शंकर देव माधव देव जो थे उन्होंने न्यू वैष्णववाइड मूवमेंट स्टार्ट किया था ओके इट बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ कृष्णा या फिर लॉर्ड वैष्णु है ना तो वैष्णविज़म का भी काफी हम लोग को देखने को मिलता है नाम घर सतरस ये सब इन्फ्लुएंस है शंकरी जिनको बोलते हैं ओके okay. फिर यहाँ पे इस्लाम का भी थोड़ा इम्पैक्ट है ज़्यादा खासकर लोअर असम में और ये ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली आया जब मुगल का इन्वेजन हुआ था ना तब हुआ तो इस्लामिक रिलीजन वॉज़ फर्स्ट फाउंडेड इन असाम इन द थर्टीन सेंचुरी पोआ मेक्का इन हाजो हाजो में पोवा मेक्का है एंड इट इज़ द होली प्लेस ऑफ एसमिस पीपल इन असाम ओके तो आप लोग तो कभी अगर विजिट कर पाए तो करिएगा वहाँ पे इंस्क्रिप्शन या भी जो भी है वो है ट्रांसलेटेड आप लोग तो को पता चलेगा कि किस राजा के टाइम में कौन लेके आया था वो रिलीजन ओके okay? तो यू कैन विजिट इट तो so, झिकीर और जारी रिटन बाई अजान पीर शाह मिलन आर पॉपुलर रिलीजियस सॉन्ग्स अजान पीर केम टू असाम ड्यूरिंग द रीन ऑफ गदाधर सिंघा ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ द बर्मिस् जिनको एसमिस मान बोलते थे मान रंजीत सिंह ऑफ पंजाब सेंट ग्रुप ऑफ सिख सोल्जर्स टू असिट असिस्ट आहम केम तो इस्लाम रिलीजन के बारे में हो गया अभी सिख रिलीजन कैसे आया तो बर्मेज इन्वेजन होता रहता था मानस मांस जिसको बोलते हैं तो अहम लोगों ने हेल्प मांगा था तो रंजीत सिंह ने तब एक सिख शोल्डर्स को भेजा था अहोम किंग को असिस्ट करने के लिए चंद्रकांता सिंह जिसका नाम था अहम किंग थे तो सम ऑफ देम स्टेट बैक ओके और फिर उनके जो डिसेंट हैं उनके जो ग्रैंड सन्स सन्स ये सब जो होते रहे दे स्टिल फॉलो सिख रिलीजन टू सम एक्सटेंट बट दे हैव कंप्लीटली अडोप्टिड दी एज मिज कल्चर सम ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट आर सपोज ताए फाके टुंग आयतान खमती खमन नौरा एक्सेट्रा दे फॉलो विच रिलीजन बुद्धिस्ट रिलीजन और फिर एस आहूम किंग्स जो थे वो लोगों ने रिलीजियस टॉलरेंस या वि सेक्युलर थे वो लोग दे नेवर डिसक्रिमिनेटेड नेवर बोलना ठीक नहीं रहेगा बट दे मोस्टली दिन डिसक्रिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी रिलीजन और समथिंग मतलब वो लोग जो फॉलो करते थे जो भी रिलीजन फॉलो करते थे वो लोग पर्सनली वो लोग मानते थे कि ये पर्सनल मैटर है ओके okay. सपोज मैं एक सेकुलर कंट्री का एग्जांपल दूँ तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री यहाँ पे रिलीजन के नाम पे कुछ भी भेदभाव नहीं होता है ओके फ्रांस इज़ ऑल्सो अ सेकुलर कंट्री लाइक दैट बट जैसे कि तर्की बोले ईरान बोले अफगानिस्तान बोले पाकिस्तान बोले दे आर नॉट सेक्युलर कंट्री यहाँ पर इस्लाम को ज़्यादा अहमियत एह, दी जाती है और बाकी रिलीजन को यू नो इट्स उनको दबाया जाता है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हम लोग जानेंगे आर्ट एंड पेंटिंग्स के बारे में तो ये लोग आप देख सकते हो ये सब देखिए पिक्चोरियल बुक गीता गोविंदा से ये दिया हुआ है पिक्चोरियल बुक ऑन सांची पाथ सांची के पत्तों में लिखा जाता था हस्त हस्ती विद्या विद्यार्णव ओके सो पेंटिंग्स इन असाम स्टार्टेड टू टेक प्रॉपर शेप फ्रॉम सेवेंटींथ सेंचुरी ओन ऑनवर्ड्स मेनली विद द पैट्रेज ऑफ किंग द पिक्टोरियल बुक्स वेर डेवलप्ड इन द सत्रस लाइक स्मॉल पिक्चर बुक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया तो यहाँ पे दो तरीके के डेवलपमेंट्स हम लोग को बताए गए हैं फर्स्ट तो जो पेंटिंग्स इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय किंग जो पेंटर्स थे किंग्स के कोर्ट में रहते थे वो पेंटिंग्स क्रिएट करते थे नेक्स्ट सत्रास में भी ये डेवलप होने लगे मतलब जो रिलीजियस प्लेस है ना मठ या फिर सत्रास जो बोलते हैं आसाम में वहाँ पे भी पिक्टोरियल बुक्स डेवलप होने लगे और uh, वो मतलब जैसे कि सपोज़ ऐसे पिक्टोरियल बुक्स क्या होता है सपोज दिस इज़ अ पिक्टोरियल बुक यहाँ पे वर्स कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर पिक्चर्स है पिक्चर्स को एकॉम्पनी किया हुआ है तो वैसे ही सित्रास में भी डेवलप होने लगे तो मेस्ट फेम मोस्ट फेमस पिक्चोरियल बुक्स ऑफ दैट टाइम अगर हम लोग बोले तो ये है हस्ती विद्या वर्णवा आनंद चित्र चित्रभागवत गीता गोविंदा ये दिया है आपके इसमें कुमार हरन संकाचुर बद लावा कुशर युद्ध सत्रा ऑन न मल्टी कलर्ड पिक्चर्स वे ड्रॉन विद नेचुरल कलर्स तो कलर्स नेचुरली यूज़ होता था नेचर नेचर कलर ओके अ सर्टन कलर पास पेंटेड ऑन द सांची पाथ फर्स एंड पिक्चर्स ऑफ किंग्स प्लेसेस डिटीज एनिमल्स एक्सेट्रा वे ड्रॉन तो ये टेक्निक बताया गया है कि कैसे ड्रॉ किया जाता था एज़ पर द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो भी सब्जेक्ट मैटर होता था उसी से ही मिलता जुलता ड्राइंग्स किए जाते थे द ब्लैंक स्पेसिस व्लार क्रिपल्स एक्सर मतलब डेकोरेट किया जाता था वही बताया हुआ है क्रिपर्स है ये क्रिपल्स नहीं है क्रीपर्स ओके क्रीपर्स जैसे कि मनी प्लान्ट गया एंड अदर क्रीपर्स यू मैसडीड द कलर्स मोस्टली यूज वेयर तो ये सब कलर्स ज़्यादा यूज़ में आते थे रेड ग्रीन येल्लो एंड ब्लैक द बुक हस्ती विद्यानवा रिटर्न बाय सुकुमार बोरखेट ये इम्पोर्टेंट है ओके एग्जाम में आ सकता है हैड ह्यूज नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑफ एलिफेंट्स डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स द पिक्चर्स इन द बुक वेयर ड्रॉन बाय टू आर्टिस्ट नेम दिलबर एंड एंडसाई लेटर सेवरल ऑफ बुक्स वेयर पब्लिश इन प्रिंट तो इसमें बोला गया है कि ये हस्ती विद्या वर्णा सुकुमार बोरखाइट ने लिखी थी ओके ही वॉज द राइटर बट उसमें जो पेंटिंग्स थे एलिफेंट्स के तो उसमें दो आर्टिस्ट थे उनका नाम था दिलबर और डोसा उन्होंने पेंट किया था उस पिक्चर बुक में तो ओरिजिनल तो पेंट था फिर बाद में जो है उसका प्रिंट निकल निकाला गया ओके प्रिंट्स मतलब कॉपीज फिर नेक्स्ट है स्कल्पचर्स ह्यूज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स आर सीन मेनली ऑन द टेम्पल्स इन असम अगर आप कामाख्या मंदिर पर चले जाओ या दूसरे मंदिर में चले जाओ आप लोग स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे तो सम ऑफ देम आर टू डायमेंशनल वाल स्टैचूज टू डी है एंड अदर्स आर थ्री थ्री डी कम्प्लीट स्टैचूज जैसे कि ये थ्री डी में हो गया और अदर्स आर टू डायमेंशनल वॉल स्टैचूज जैसे कि कामख्या मंदिर में वॉल स्टैचूज हम लोग को देखने के मिलते हैं दे आर टू डी द स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑफ़ स्टोन्स एज वेल एज विद एलिफेंट ट्रंक गोल्ड सिल्वर कॉपर वुड तो ये क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते थे स्कल्पचर्स बनाने में ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है द स्कल्पचर्स मोस्टली मेड स्कल्पचर्स और डिफरेंट डी लाइक तो लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एशियंट टाइम में भी डिफरेंट डीटीज़ या फिर भगवान हिंदुज्म के जो भगवान हैं उनके ऊपर स्कल्पचर्स बनाया जाता था जैसे कि शिवा विष्णु गणेश सूर्य उनको डिपिक्ट करने के लिए या फिर एनिमल्स लायन सन सन क्यों दिया है पता नहीं लायन एलिफेंट हॉर्सेस एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स ऑफ आसाम कैन बी सीन इन द प्लेसेस लाइक दाह पर्वतिया इन तेजपुर ये फेमस है यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं और फिर तो बामुनी पहाड़ मदन मदन कामदेव में आम्बरी दबाका सूर्य पहाड़ बौरगंगा नुमालीगढ़ पानी हॉजा डिब्रूगढ़ सुकरेश्वर पगला टेक ऑफ ग्वालपारा मंगलदेक एक्सेट्रा तो कुछ स्कल्पचर्स आप लोग असम स्टेट म्यूजियम में जो घाटी में है उसमें भी विजिट कर सकते हो देख सकते हो वहाँ पे भी स्कल्पचर्स बहुत ही अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स का स्पेसिमन प्रिजर्व है तो कैसे हो होता था कैसे बनता था वो बनता था एमन बना हुआ है वो आप लोग देख सकते हो दो दंगरा यमुना स्टैचू इन द स्टोन के दा पर्वतिया स्मॉलर इन साइज फ्रॉम द hmm. आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट इट इज़ वेल अप्रिशिएटेड दा पर्वतिया स्कल्पचर्स hmm. वाई मेड इन सिक्सथ सेंचुरी इन्फ्लुएंस बाई गुप्ता स्कल्पचर्स तो दा पर्वतिया hmm. का जो वो एक हिल में है इफ़ आईम नॉट रॉन्ग तो उसमें जो स्कल्पचर्स या फिर उसमें जो भी रिमेन्स हम लोग को मिले ना इट इज़ वेरी मच स्टडीड और वो बहुत ही यू नो बहुत ही रिच माना जाता है वो फॉर द हिस्टोरियंस असाम आसाम के लिए तो आप लोग अगर विजिट कर सको तो ज़रूर करिएगा तो वहाँ पे एक एक यू you नो know, पैनल या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि गंगा और यमुना का गेटवे है एक जिसमें गंगा और यमुना दे आर वेलकमिंग और समथिंग ऐसा है तो ऑल्दो इट्स स्मॉलर इन साइज बट उनका जो डिटेलिंग या फिर वर्क है इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द आर्ट हिस्टोरियंस एंड लाइक और फिर बोला गया है कि दापर वेता के जो स्कल्पचर्स हैं उनको सिक्स सेंचुरी में बनाया गया था एंड डेविड क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता एरा या फिर गुप्ता uh, किंग्स के जो स्कल्पचर्स थे गुप्ता समय के जो स्कल्पचर्स थे उनसे वेरी मच देवेर इंस्पायर्ड